नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। आज जेपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है 18 मार्च को अमरोहा में हुए उस उपद्रव की जगह जहां पर हिंसा हुई थी। डीजे बंद कराने को लेकर के यहां पर दो वर्ग आपस में भिड़ गए थे, पत्थरबाजी हुई थी। आपको बता दें कि 18 मार्च का दिन था और उस दिन शुक्रवार था, जुमे की नमाज होनी थी, जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग शबे बरात के त्यौहार की तैयारी कर रहे थे और जुमे की नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज के लोग अपने होली के पर्व को खुशी और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। लेकिन उस वक्त अमरोहा को किसी की नजर लग गई, जब 12 बजे के बाद शहर में यह जब घटना घटी कि छंगा दरवाजे पर पथराव हो गया है दो वर्गों के बीच। जैसे जैसे ये घटना घटी, वैसे वैसे ये खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, प्रदेश में फैल गई। यहां तक कि अमरोहा छंगा दरवाजे का पूरा मामला यूपी सरकार के कानों तक भी गूंज उठा। आपको बता दें कि इस हुए हिंसा में, हुए इस बवाल में पुलिस ने 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं उन 52 लोगों में से 8 लोगों को अमरोहा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मैं मौके पर हूं, इस वक्त घटना स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। यहां के लोगों में 18 मार्च को हुई घटना को लेकर भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। हमने लोगों से कैमरे पर जानकारी चाही, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया।